भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते को समर्पित त्यौहार रक्षाबंधन आज देश दुनिया के साथ ही भारत भूटान सीमा से सटे सरजी गांव में भी मनाया गया। इस जगह सीमा रक्षा में तैनात एसएसबी के जवानों की कलाएं कहीं इस रक्षाबंधन में भी खाली ना रह जाए, इसको लेकर आज सोशल डेवलपमेंट वेलफेयर ट्रस्ट नामक सामाजिक संस्था के द्वारा रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। सोशल डेवलपमेंट वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन कमल जैन ने कहा कि आज इस जगह एसएसबी के जवानों को यहां के बहनों के द्वारा राखी बांध उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि इस अवसर में मुख्य रूप से एसएसबी के सहायक कमांडर राजेश कुमार उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इस अवसर में संस्था के रामनिवास राठी, तिलक थापा, रवि जैन आदि उपस्थित थे। सभी को मेरा नमस्कार। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पे सभी को हार्दिक अभिनंदन। मैं रामनिवास राठी सोशल डेवलपमेंट वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से सभी हमारे मेंबर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज आके हमारा प्रोग्राम को सफल बनाया, और हमारे एसएसबी के कमांडर साहब श्री राजेश कुमार जी ने भी इस प्रोग्राम में आके और इस प्रोग्राम को सफल बनाया, उसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। और ये जो रक्षाबंधन का पर्व है, ये भाई और बहन का एक इतना मतलब गहरा संबंध है। ये राखी का धागा है, वो भाई और बहन के जो रिश्ता है भाई और बहन का, उससे बहुत ही मतलब ये पवित्र रिश्ता है। तो इसीलिए मैं सभी से कहूँगा, भाई और बहन का जो ये पर्व है रक्षाबंधन, हम लोग हर साल इसी तरह मनाते रहेंगे और मनाते आए और मनाते रहेंगे। धन्यवाद।